जिंदगी में ऐसा भी मौका मिलता है कि चाहते नहीं फिर भी हो जाता है, होता नहीं फिर भी हो जाता है, करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। ऐसा सफ़र आता है वहाँ कोई साथ में नहीं होता फिर भी चलना होता है। ये ऐसे भी जीवन में कई ऐसे एपिसोड आते हैं जहाँ पर अपन सोचते कुछ है हो कुछ जाता है। कई बार गाड़ी में हम बिठाना चाहते हैं, कोई बैठने वाला नहीं होता। कई बार हम गाड़ी में बैठना चाहते हैं फिर बिठाने वाला नहीं होता। फिर भी एक ऐसा समय आता है कि हम बैठना चाहे तो बैठने वाला नहीं मिलता और हम बैठना चाहे तो बिठाने वाला नहीं मिलता। इसलिए ज़िंदगी के कई ऐसी दौड़े भी हैं जीवन में जिसको आपको अकेले ही तय करनी है। और जब तक आप ज़िंदगी में संघर्ष या अकेलापन महसूस न करके संघर्ष करोगे तब तक आपका जीवन बड़ा अच्छा है। अभी देखो एक आपको यहाँ एक जीव दिखाते हैं, ये सारा अंदर घुस गया। वरना अभी अभी हमने यहाँ गिदड़ देखा था और गिदड़ लाइट देख के अंदर चला गया। हम तो गिदड़ तो है नहीं तो अंदर चले जाओ और फिर कुछ दिखा तो दिखाएंगे। अभी मुझे कभी कभी ऐसे अकेले चलने का मौका मिलता है और उस दिन पता है क्या विचार आता है। मतलब कल तक जब साथी थे तब गाड़ी नहीं थी, आज जब गाड़ी है तो साथी नहीं। कल तक हम बैठना चाह रहे थे तो कोई बिठाने वाला ये सोचता था क्यों बैठाने का, और आज जब गाड़ी है हम किसी को बैठाना चाहते तो वो पता है क्या सोचते हैं, यार अपने को क्यों बैठा रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा जिंदगी में आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है, जो था वो है नहीं, जो है वो रहेगा नहीं। तो दोस्तों फिर आप कौन से वहम में जी रहे हो, कौन सी तरह से जी रहे हो और किसके सिद्धांत फॉलो करते हो। मैं तो ये जानता हूँ कि बुजुर्गों ने ये सही कहा है कि तू जब सोच ही क्यों रहा है, तेरे सोचने से कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर भी इंसान पता है हमेशा सिर्फ सोचने में अपनी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता फिर भी ये कहता हूँ कि मैं भी मेरी ज़िंदगी का 20% सोचने में बिता देता हूँ। मेरे गुरु जी कहते थे कि जितना सोचना है ना उतना सोच ले फिर भी तुझे करना है। जब कर्म ही करना है तो सोचना किस बात का। रोड है कभी कभी इसमें जाम होता है, कभी अपने को कोई परमिशन देता है तब रोड चालू होता है। फिर भी पता है आपको कभी कभी ये रोड भी वीरान हो जाता है। ये रोड भी ऐसे सोचता तो नहीं होगा, बोलता नहीं है क्योंकि इसमें जीव नहीं है, पर बनाने वाला तो कोई जीव ही था जिसने इस रोड का निर्माण किया। तो ये रोड कभी कभी जब सुनी लगती है तब ऐसा सोचता तो होगा ही कि काश मेरे ऊपर भी कोई चलने वाला आवे। तो इसी तरह जीवन का एक सीधा सा फंडा है, जो है ये बहुत अच्छा है, जो था वो बहुत अच्छा था, पर जो होगा वो शायद इन दोनों से अच्छा होगा। तो आप बार बार सोचो ना, आप अपने हिसाब से जिया करो। रोड को यहीं रहना, बनाने वाले को भी यहीं रहना, जीना तो अपने को है ना। तो मेरे दोस्तों जब जीना अपने को है तो उस निर्थक की आवाज़ भी सुनो यानी रोड, और उस बनाने वाले की भावना भी सोचो, उसके कितने स्वार्थ थे जब बनाया था। रोड यहाँ बन रहा था, विचार कहीं था, इंजीनियर कोई था, सरकार किसी और की थी, पर उसके अंदर भी एक स्वार्थ था। जो स्वार्थ उस बनाने वाले के अंदर था ना वो रोड में भी आएगा। जब अपने पास इस रोड पे दौड़ाने वाला एक व्हीकल नहीं था ना तब भी अपन रोड को जानते थे, और आज रोड पे दौड़ने वाला सबसे अच्छा व्हीकल है। फिर भी आपको दौड़ना तो रोड पे ही है ना, रोड यहीं रह जाएगी और आपका सफ़र पूरा हो जाएगा। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा इस तरह जीवो कि रोड भी रहे और आप भी रहो, दोनों का अपना अपना नज़रिया। ओके, शुभरात्रि। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे विचार अच्छे लगे तो
कमेंट करो, नहीं तो अपनी तरह जीते रहो। बाय बाय।